क्या आपको पता है पैरागुआ में एक ऐसी जनजाति रहती है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने यहाँ बीमार पड़ने वाले इंसानों को जिंदा दफना देते हैं। जी हाँ, हर दिन एडवांस होती इस दुनिया में आज भी इंसानों की ऐसी कई जनजातियां मौजूद हैं और आज हम आपको कुछ ऐसी ही जनजातियों के बारे में बताने वाले हैं। जीवाश्म वैज्ञानिकों की माने तो इंसानों ने आज से तकरीबन 40 लाख साल पहले दो पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से हमने इन्हीं दो पैरों के चलते हुए कमाल की उपलब्धियां हासिल की। लेकिन कैसा हो अगर हम आपसे कहें कि आज भी धरती पर कुछ ऐसे इंसान हैं जो अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके बंदरों की तरह चलते हैं। जी हाँ, टर्की के एक सुदूर इलाके में एक ऐसा ही परिवार मिला है जिसमें कुल 19 सदस्य हैं, बाकी साधारण इंसानों की तरह दो पैरों पर चल पाने में असमर्थ हैं। इस कुर्दिश फैमिली को वैज्ञानिक इंसानी शरीर के एवोल्यूशन की एक बेहद दुर्लभ कड़ी मान रहे हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन पर शोध करने से एवोल्यूशन से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। बता दें, BBC द्वारा इन इंसानों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसमें इन सभी का दिमाग की जांच की गई और पता चला कि इन सभी के दिमाग में एक अजीब सा केमिकल लोचा है जिसके कारण उन्हें दो पैरों पर खड़ा होने के बाद गिरने का डर लगने लगता है। अगर आप सोचते हैं कि धरती के सभी आदिवासी सिर्फ जंगलों में रहते हैं तो यकीन मानिए अब आपकी इस सोच को झटका लगने वाला है। मिलिए मुकेन जनजाति के लोगों से जो कि अपना ज्यादातर समय पानी के ऊपर बोट में बिताते हैं। बर्मा के दक्षिण पूर्वी तट में मार्को पेलिगो के पानी पर रहने वाले मुकेन जनजाति के इन लोगों की संख्या बेहद कम बची है। मूल रूप से समुद्री भोजन पर निर्भर रहने वाले ये लोग हैंडमेड हाउस बोट्स पर रहते हैं जिसमें इनका रूम भी होता है और इनका किचन भी। जो चीज मुकेन जनजाति के लोगों की सबसे यूनिक है वो है उनके तैरने की असाधारण क्षमता। ये लोग बिना ऑक्सीजन और समुद्र की गहराइयों में गोताखोरी कर लेते हैं, जैसा करना बाकी इंसानों के बस की बात नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार मुकेन जनजाति के लोग पानी में बाकी इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा साफ देख लेते हैं और इनमें ये क्षमता पीढ़ियों के अनुभव से पैदा हुई है। अगर आपको अजीब बॉडी मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो ये अगली जनजाति आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि भाई इस जनजाति के लोग बॉडी मॉडिफिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। इथोपिया के सुदूर इलाकों में बसे सूरी जनजाति के लोग अपने बेहद दर्दनाक रीति रिवाजों की वजह से जाने जाते हैं, जिसमें महिलाओं का होठों पर प्लीट्स लगाना, पुरुषों का अपने शरीर पर घाव करके निशान बनाना और उनकी खतरनाक स्टिक फाइटिंग का रिवाज शामिल है। यहाँ कम उम्र में ही लड़कियों के निचले होठ को काट कर उसमें एक प्लेट लगाई जाती है और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ इस प्लेट का आकार भी बढ़ा दिया जाता है। साथ ही मर्द व औरतें अपने शरीर पर धारदार ब्लेड से कई निशान भी बनाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें दर्द से लड़ने की शक्ति मिलती है। अंडमान निकोबार का नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले सेंटिनली आदिवासी एशिया के सबसे अनछुए और सबसे खतरनाक आदिवासी माने जाते हैं, जो इस द्वीप पर पिछले करीब 60,000 सालों से रह रहे हैं। इन आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, उनकी भाषा शैली कैसी है और वो क्या क्या खाते पीते हैं, इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जनजाति के लोग बाहरी दुनिया से जुड़ना नहीं चाहते। वो यहाँ आने वाले सभी बोट्स, शिप और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स तक पर अपने तीर भालों से हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते भारतीय सरकार ने इस द्वीप पर जाने की मनाही कर रखी है, लेकिन फिर भी 2018 के दौरान एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाऊ वहाँ उनसे मिलने पहुँच गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
मूल रूप से बर्मा के निवासी कायन अपनी शारीरिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, खासकर महिलाओं की। दरअसल कायन की महिलाओं के लिए खूबसूरती का मतलब है लंबी जिराफ जैसी गर्दन होना। बेहद छोटी उम्र से ही यहाँ की लड़कियों के गले में छोटी छोटी मेटल रिंग्स डालना शुरू कर दिया जाता है। फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे ही इन रिंग्स की संख्या भी बढ़ा दी जाती है, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि लड़कियों की गर्दन जहां तक मुमकिन हो लंबी हो जाए। हैरत अंगेज बात तो ये है कि इस प्रथा को ये लोग सदियों से करते आ रहे हैं, और उनके अनुसार आज तक किसी भी लड़की को इस वजह से कोई तकलीफ नहीं हुई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।